हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबको ब्लैक बकारा रोज़ प्लांट की केयर के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, ब्लैक बकारा रोज़ की एक बहुत ही रेयर वैरायटी होती है। इस वैरायटी के मेरे पास दो पौधे हैं। देखिए, मेरे एक इस पौधे पर ये फूल खिलने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 दिन लगे हैं कम से कम, क्योंकि ये बहुत ही स्लो स्पीड से खिल रहा है। कली बनने से लेकर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको लगभग 15 दिन हो गए, इसलिए इस वीडियो को आप सब आखिर तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, ब्लैक बकारा रोज प्लांट एकदम मतलब बहुत डार्क कलर का होता है, मतलब ब्लैकिश रेड कलर होता है, मतलब ब्लैक की तरफ ज़्यादा होता है और रेड थोड़ा कम होता है, इसलिए इसे ब्लैक मैजिक रोज भी कहते हैं। रोज की ये वेराइटी ठंडे इलाकों में अच्छे से ग्रो करती है। विंटर्स में टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होता है, इसका कलर भी उतना ही डार्क होता है। ठंड की वजह से ये बहुत ही स्लो स्पीड से खिल रहा है। 1-2 दिन अभी और लगेंगे इसे फूल बनने में। फ्रेंड्स, अब ये ब्लैक बकारा रोज पूरी तरह खिल गया है। आज थोड़ी धूप भी निकली हुई है, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए धूप में शिफ्ट करा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर। और इसके प्लांट को मैंने अभी थोड़ा थोड़ा पानी से धोया है, तो इसके ऊपर जो बूंदें पड़ी हुई हैं वो और भी सुंदर लग रही हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ एक ख़ास बात बता दूं कि इस ब्लैक बकेरा रोज़ प्लांट को धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ी बहुत देर के लिए ही, 1-2 घंटे के लिए आप इसे धूप में रखें। मैंने वीडियो बनाने के लिए ही इसको धूप में शिफ्ट किया है, नहीं तो अगर जनवरी के इस मौसम में भी इसको अगर मैं फुल सन में रख दूँ तो इसकी पंखुड़ियाँ 1 दिन में ही जल जाएंगी, यानी सनबर्न हो जाएगा। कली बनने तक आप इसे धूप में रख सकते हैं। कली बनने के बाद आप इसे ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहां नेचुरल लाइट तो आती हो पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। अच्छा, मिट्टी की बात करें तो ये ब्लैक बकारा रोज प्लांट लूमी सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लूमी सॉइल का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा रेत होता है, थोड़ी चिकनी मिट्टी होती है और थोड़े थोड़े उसमें सिल्ट के पीस होते हैं छोटे छोटे। सिल्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो रेत के पार्टिकल से थोड़े थोड़े से बड़े होते हैं। आप सब कहेंगे कि ये सिल्ट कहाँ से मिलेगी, सचमुच सिल्ट कहीं मिलती तो है नहीं। तो आप इसमें जो सीमेंट के साथ हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं कि जो डस्ट होती है वो रेत से थोड़ी सी बड़े बड़े उसके पार्टिकल होते हैं, आप उसे थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। जैसे गमले में लगा ले, 1-2 मुट्ठी आप उसमें मिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि मिट्टी के अंदर एयर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्लैक बकारा रोज प्लांट का जो पौधा होता है बाकी रोज प्लांट से थोड़ा सा कमज़ोर होता है। कम से कम मेरे पास ये पौधा 2 से 3 साल पुराना है, और ये एक और दूसरा पौधा है ये भी उतना ही पुराना है। ये काफ़ी कमज़ोर पौधा है देखिए, और ये बहुत हाइट में भी बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 1 फुट 1.25 फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ ये। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं इसमें अभी प्लांट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लगाती हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में मैंने इसमें गोबर की खाद लगा दी थी जिससे इसकी पत्तियाँ थोड़ी जली जली हो गई थी, इसलिए मैंने गोबर की खाद लगानी इसमें बंद कर दी। अच्छा, पानी आप इसमें दूसरे गुलाब के पौधों की तरह ही लगाएंगे। विंटर्स में वीक में 2 बार और समर्स में दिन में 1 बार, या फिर जब इसकी मिट्टी ऊपर की सूखने लगे तब इसमें पानी लगाएंगे। इस तरह अच्छी तरह से देखभाल करने से ये ब्लैक बकारा रोज प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ पूछना है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स, आपका दिन शुभ हो।